बात कर लेते हैं बिहार में आफत की बारिश की और बाढ़ की। नेपाल में कुदरत के कहर ने बिहार में लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। नेपाल से आ रही नदियां बिहार में तबाही ला रही हैं। बिहार के अलग अलग जिले इस वक्त मुश्किल हालात वहां पर बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसकी अलग अलग हिस्सों में क्या तस्वीर है वो आप इनमें नजर आ रहा है आपको। दरभंगा की तस्वीरें, सीतामढ़ी आप देख रहे हैं, सुपौल है, मोतिहारी, मधुबनी की तस्वीर, शिवहर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किशनगंज और साथ ही मुजफ्फरपुर। ये वो इलाके जहां पर नेपाल में लगातार बारिश और नेपाल से पानी जो आ रहा है वो अलग अलग जिलों में किस तरीके से परेशानी लोगों की बढ़ा रहा है बिहार में, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के कई जिलों में भयंकर बाढ़ की सिचुएशन है। कोसी, गंडक समेत सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं और साथ ही कहा यह जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से आ रही नदियों से तबाही, नदियों के किनारे के गांव पानी में समा गए हैं और लोगों का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और बाढ़ के हालात पर केंद्र की नजर तो है ही, साथ ही राज्य की सरकार कह रही है कि हर हालात से निपटने की तैयारी है और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है अलग अलग हिस्सों में। सहरसा से शशांक कुमार मेरे साथ बने हुए हैं, आइए सीधे उन्हीं का रुख करें। शशांक, अभी सबसे पहले तो ताजा हालात वहां पर आपके आसपास है क्या, लोग क्या कह रहे हैं और प्रशासन किस तरीके से लोगों तक सहायता मदद पहुंचा रही है उसके बारे में सारी जानकारी साझा कीजिए शशांक। 13 जिले बिहार के बाढ़ की चपेट में हैं, 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 7 तटबंध टूटे हैं। इस वक्त हम सहरसा में हैं, कोसी का कहर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम नौहट्टा पंचायत में हैं, ये देखिए यहाँ पर नदी ने जो है गजब का तांडव मचाया है। कोसी नदी ने यहाँ पे सड़क जो है वो टूट कर बह गई है। कई गाँव का जो संपर्क है वो मुख्य सड़क मार्ग से जो है वो कट गया है। कई लोग गाँव में फंसे हुए हैं जो इधर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं और कोई रास्ता भी नहीं है आने का। यहाँ पे देखिए युद्ध स्तर पे काम भी चल रहा है, यहाँ पर बालू बोरी में भर के जो है वो रखी जा रही है ताकि ये जो पानी है जिसका तेज बहाव है ये ऊपर ना चढ़े, और यहाँ पे बालू जो है रखी जा रही है बोरी में भर के और एक तरह से एक टेम्पररी रास्ता भी जो है उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर असही समेत दर्जन भर जो गाँव है उनका जो संपर्क है वो मुख्य सड़क मार्ग से कट गया है। हम यहाँ पर लोगों से भी जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। सरकारी मदद पहुंची है लेकिन जिस स्तर पे पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। अच्छा ये बताइए चाचा, ये हालात कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पर कल हुआ है, अभी परसों से है। अच्छा, और अब जाके जो है ये सब काम जो किया जा रहा है, आज किया जा रहा है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर कोई भी बुझिए वो अपना दौरे बढ़ा में है। कितने गांव का संपर्क टूट गया, करीब दर्जन भर सुन रहे हैं? हाँ, दर्जन से ऊपर होगा ये सब। अच्छा ये बताइए जो मदद मिलनी चाहिए जिस स्तर पे वो मिल रही है कि या नहीं? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, क्या शिकायत है आप लोगों की? यहाँ पे सबसे पहले सामुदायिक किचन का बात किया गया था, अभी तक जो है सभी जगह चालू नहीं हुआ है। उसके बाद किसी भी स्तर पे पन्नी का जो है, पन्नी जो दिया जाता है घर के ऊपर वो नहीं दिया गया। उसके बाद जो है राशन जो है मवेशी के लिए वो भी उपलब्ध नहीं हुआ। उसके बाद खाने पीने का सामग्री जैसे चूड़ा हो गया, मुड़ी हो गया, ये सब का व्यवस्था नहीं किया गया है। मतलब लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो गई। हाँ देखिए आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे, दीपा जो यहाँ पे गांव है टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग बेहद डरे हुए हैं, ये जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं और अब तो फंसे हुए हैं अंदर की ओर, और इधर जो लोग हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं अपने गाँव में। अच्छा ये बताइए कब तक ये यहाँ पे जो है टेम्पररी रास्ता तैयार हो जाएगा, क्या लग रहा है? अब तो ये सरकार ही बताएंगे कब तक हो जाए, हम लोग अपने स्तर से। बिल्कुल ठीक है शशांक, देखिए नेपाल में लगातार बारिश उसके बाद यहाँ पर हजारों की आबादी है जो प्रभावित हुई है। अब सरकार की ओर से तो कहा ये जा रहा है कि राहत पहुँचाई जा रही है लेकिन लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।